अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, कैरियर से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और तमाम से तमाम टॉपिक जो कि हम कवर कर चुके हैं वो भी आप कवर कर चुके होंगे और इसके साथ साथ जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर चुके होंगे। देखिए, जब भी हम लेक्चर का आगाज करते हैं तो उस लेक्चर के हवाले से अपने गोल्स रखते हैं, उस लेक्चर में है कि आज के लेक्चर में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन की बात की, हमारे से उसके सोर्सेज, उसका इंट्रोडक्शन के बाद सोर्सेज, उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ उसकी वैल्यूज भी डिस्कस किए। तो आज हम क्या करेंगे, आज नेक्स्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट आर अल्कीन। ठीक है, और आज के दिन हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन में क्या कुछ डिस्कस करना है कि एक तो ये कि अल्कीन होते क्या है, ठीक है, अल्कीन का मतलब क्या होता है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल हमने देखे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेसिडुअल सोर्सेस के कहां कहां पर हम बेसिकली इनका मतलब इनको इस तरह से कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन कौन से आप करेंगे ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड हैं जिससे कि हम इन अल्कीन्स को हासिल करते हैं। तो ये दो हमारे आज के मेन गोल्स हैं जो कि हमने अचीव करना है आज में कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर। तो जनाब, जैसे कि हम बात कर रहे थे अल्कीन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अल्कीन है क्या, अल्कीन है क्या, व्हाट आर अल्कीन। ठीक है, देखो जहां तक बात है अल्कीन की, तो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात की थी तो उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी तीनों के फिर हमारे पास दो तरह की अनसैचुरेशन हो सकती है, एक होती है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अल्कीन कौन से क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि ये अनसैचुरेटेड तो है लेकिन दैट कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं कि डेफिनेशन यहां राइट कर लेते हैं, द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर अनसैचुरेटेड विच इज एन अनसैचुरेटेड कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन दी एटम, बिटवीन दी कार्बन एटम। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं अल्कीन। ये वो ब्रांच ऑफ हाइड्रोकार्बन है या वो क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जो कि अनसैचुरेटेड भी है और इसके साथ साथ बिटवीन दी कार्बन एटम डबल बॉन्ड होता है। इस तरह के क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन का नाम देते हैं, इस कार अल्कीन, ठीक है, अल्कीन इसे कहा जाता है। ठीक है, जहां तक बात है अल्कीन की, तो कैसे आप पहचानेंगे किसी एक हाइड्रोकार्बन में, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अल्कीन। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी एक अल्कीन के जो है आप कंडेंस फॉर्मूला को देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखेंगे, तो उसमें आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है, उसमें आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आएगा, यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसमें दो बॉन्ड ये डबल बॉन्ड से बन जाएंगे, रिमेनिंग दो बॉन्ड जो है या तो ये कि ये दोनों कार्बन एटम डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे जिससे कि ईथीन बनेगा, या फिर ये हो सकता है कि एक इनका बॉन्ड बन जाएगा विद एल्काइल ग्रुप और दूसरा बन जाएगा विद हाइड्रोजन। ठीक है, जिससे कि आपके पास साथ रहेगा। ठीक है, तो यहां तक जो है डेफिनेशन के हवाले से आपको बता दिया। तो जनरल फार्मूला है अल्कीन का, वो क्या होता है, जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन जो है वो होता है CnH2n। यहां पर n मीटिंग तौर पर नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है कि आप यहां पर n की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अल्कीन जो है इसका स्मॉलेस्ट मेंबर भी दो कार्बन कंटेन करता है। तो यहां n मिनिमम आपका 2 होगा और 2 से आप बढ़ा लें जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। आप इस फॉर्मूला के तहत मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी अल्कीन आप, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं,
अगर मैं इलेक्ट्रिक पोल पास कर रहा हूँ अल्कीन की के जो इलेक्ट्रिक पोल चार कार्बन कंटेनिंग है, अब ये चार कार्बन वाला जो अल्कीन है मैं चाहूंगा कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट करूं, और फिर हम उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उसका कंडेंस फॉर्मूला राइट करेंगे, ठीक है, इसमें के डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा। ठीक है, तो देखो एन की जगह पर आपने इसमें क्या करना है, पुट एन की जगह पर आप पुट करेंगे फोर। ठीक है, अगर आप फोर पुट करेंगे तो क्या गेट करेंगे, सी फोर एच टू, और एन की जगह पर फिर फोर आ गया, तो फोर इंटू टू क्या हो गया एट, तो वी विल गेट सी फोर एच एट। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे आप कंडेंस फॉर्मूला राइट कर सकते हैं टू इंडिकेट के डबल बॉन्ड टू कार्बन एटम के दरमियान और कहां पर मौजूद है। ठीक है, तो आप क्या गेट करेंगे, यू विल हैव दिस कंपाउंड। अब आप इसमें काउंट कर सकते हैं, यू हैव फोर कार्बन एटम, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन एटम है, हाइड्रोजन काउंट कर लें, थ्री एंड वन फोर, फोर एंड वन फाइव, फाइव एंड थ्री एट। तो आप देख रहे हैं कि आपने इस फॉर्मूला के तहत ब्यूटीन इसे कहते हैं, इसका नाम है ब्यूटीन, अल्कीन का फैमिली मेंबर या होमोलोगस एक कंपाउंड। ठीक है, तो ब्यूटीन का आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला और आपने इसका कंडेंस फॉर्मूला राइट कर दिया, क्योंकि यहां पर इसको आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक हो गया, तो यह एक टास्क लिए है हमारे पास अल्कीन की, जिसकी हम इस पर बात कर रहे थे, एग्जाम्पल भी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अल्कीन जो है इनका एक और नाम भी है, ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज, इनको हम एक और नाम से भी मुखातिब करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ऑयली फिन्स इनफॉर्म कहते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑयली फिन्स। ठीक है, अब ऑयली फिन्स का मतलब क्या होता है, जरा देख लें, ऑयली फिन्स की हम बात कर रहे हैं, इसी तौर पर अगर हम ऑयली फिन्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑयल लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, ऑयल लेयर फॉर्मेशन, ठीक हो गया, यानी कि वो कंपाउंड के जो ऑयली लेयर की फॉर्मेशन करेंगे, इस तरह के कंपाउंड को आप ऑयली फिन्स का नाम देते हैं। लिख लेते हैं यहां पर कि इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑयली लेयर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑयली लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, और ये कब करते हैं ऑयली लेयर की फॉर्मेशन, के जब हम इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग किसी हैलोजन की एडिशन करते हैं, जब डबल बॉन्ड के अलॉन्ग किसी हैलोजन की एडिशन करते हैं, तो उससे जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसकी अपर सरफेस जो है वो एक ऑयली लेयर कंटेन करती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑयली फिन्स। ये समझ आ चुके आप लोगों को, तो अब तक बिना तो उतर है, बट आर अल्कीन, अल्कीन होती क्या है, अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन that can be double bond between the carbon atoms, और इनका हमने जनरल फॉर्मूला देखा, जिससे कि ब्यूटीन हमारा जो इस फॉर्मूला का सीधा मेंबर है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला, ठीक है, उससे हमने इसका कंडेंस फॉर्मूला भी राइट किया है। ठीक है, और हम ये बात कह रहे हैं कि अल्कीन आर आल्सो कॉल्ड एज ऑयली फिन्स, why they are called as ऑयली फिन्स, क्योंकि हमने कहा कि जब भी हम इनको ट्रीट करवाते हैं तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग हाइड्रोजन की एडिशन होती है, जिससे कि एक ऑयली लेयर फॉर्मेशन होती है हमारे रिजल्टिंग कंपाउंड के अंदर। ठीक हो गया, अच्छा कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं अल्कीन्स को जो है एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स डिफरेंट सोर्सेज की हम बात करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम मजीद और ले लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, एग्जाम्पल लेके तो आगे चलते हैं। तो नहीं जरा, जैसे कि आपने ब्यूटीन देखा, वी कैन हैव पेंटीन एज वेल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, आप यहां पर फॉर पेंटीन आप पांच एन की जगह पर, ठीक है, पेंटीन के अंदर देयर आर फाइव कार्बन एटम, ठीक है, सो आप एन की जगह पर फाइव पुट करेंगे, सो सी फाइव एच टू इंटू फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, यू विल गेट सी फाइव एच टेन। ठीक है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड थ्री एच टू एंड देन थ्री एच, तो पांच कार्बन एटम देखिए काउंट कर लें, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है,
और हैरिसन एकर भी काम कर सकते हैं 3-1, 4-4-1, 5-5-7, 7-3, 10 ऑर्डर ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है 10 ठीक है। तो ये आपने देखी एग्जांपल टीम की और होपफुली आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो चुका होगा। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये अल्किन है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको वाजे नजर आ रहा है ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी बहुत आसान थी और मैंने आप लोगों को बताया कि अल्किन बेसिकली होते क्या है, व्हाट आर अल्किन ठीक है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सोर्सेज ठीक है। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे कि हम अल्कीन को हासिल करते हैं, हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम सोर्सेज ऑफ अल्कीन की बात करें ठीक है जी। जहां तक बात है सोर्सेज ऑफ अल्कीन की, तो हम लिस्ट डाउन करेंगे कि किस किस तरह से हम नॉर्मली अल्कीन को करते हैं ठीक है, किस तरह से हम अल्कीन को हासिल करते हैं। पहली बात तो ये कि चूंकि अल्कीन जो है अगर हम इनकी बात करें तो दे कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम ठीक है, और जब डबल बॉन्ड आ जाता है अल्कीन की दे आर रिएक्टिव स्पीशीज ठीक है। तो नॉर्मली हम ये बात कहते हैं कि नेचर अल्कीन सेल्डम एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ड्यू टू रिएक्टिविटी अल्कीन सेल्डम एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस, बहुत कम एग्जिस्ट करता है फ्री स्पेस। रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम, और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड जो है वो अल्कीन को रिएक्टिव बना देता है, और मतलब डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जो है आप एडिशन कर सकते हैं और एडिशन के थ्रू हमारे पास एक मेटिस बनती है। तो नॉर्मली जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते या बहुत कम करते ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये बात कहते हैं कि अल्कीन की अगर हम बात करें तो जो नेचुरल गैस है उसमें भी अल्कीन की मिकदार होती है ठीक है। अल्कीन आल्सो कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल गैस एंड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20% भी इसके अंदर मौजूद हो सकती है ठीक है। ध्यान रखते हैं अल्कीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस अप टू 20% हो सकती ठीक है जी। 20% हम कहते हैं कि हमारे पास अल्कीन जो है वो हम हासिल कर सकते हैं ठीक है, फ्रॉम द नेचुरल गैस ठीक है। इसके साथ साथ जो मेजर आप जो है आप कह रहे हैं कि क्वांटिटी में अल्कीन को हासिल करते हैं, वो हासिल करते हैं बाय द क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम को क्रैक करके उसके को आप हासिल करते हैं। तो मेजर quantity of alkene we obtain by cracking of petroleum ठीक है। petroleum जो है ठीक है उसको आप तोड़ेंगे तो उससे आप हासिल करते हैं। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना ठीक है, लार्जर कंपाउंड होते हैं पेट्रोलियम के अंदर ठीक है, उनको आप हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में आप तोड़ते हैं ब्रेक करते हैं, और उनकी ब्रेकेज से उनके टूटने के अमल से क्या होता है यू विल गेट अल्कीन ठीक है। आप अल्कीन जो है वो डेवलप करते हो और वो हासिल करते हो ठीक है। सो मेजर क्वांटिटी आपकी जो है मेजर सोर्स हम कह सकते हैं कि अल्कीन का वो ब्रेकिंग है, किसका हम कहते हैं कि जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम है ठीक है, उसको तोड़ के तो आप अल्कीन को प्रिपेयर करते हो। थ्री डॉलर की डिफरेंट सोर्सेज के जिनके थ्रू हम जो है हासिल करते हैं। हमने पहली बात यही डिस्कस की कि रिएक्टिविटी और एक्टिविटी के बाद में आपको रीजन प्रोवाइड की गई क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत कम है कि एक्सिस्ट करेगा।
और मेजर जो सोर्सेस का है वो है हाइड्रोजन जो आपका है ठीक है, उसको कैसे रहें थोड़े ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर में थोड़े ठीक है, तो उससे आप अल्कीन को मेजर भी प्रिपेयर करते हैं या हासिल करते हैं ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको डिस्कस होगी और समझ आ चुकी होंगी। इंट्रोडक्शन भी आपने का देखा कि अल्कीन होते क्या, जनरल फॉर्मूला देखा और इसके बाद फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी ली है, लास्ट भी हमने सोर्सेस की बात की है। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट रह चुका हो, कोई पॉइंट आपको लगता हो डिफिकल्ट लगा या कोई अब तक पॉइंट क्लियर नहीं हो सका, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर इसका आंसर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए पॉइंट्स का भी हाजिर होगा। सबसे के लिए अल्लाह हाफिज़।